वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 12 का उर्दू का लेक्चर है। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में हम मज़मून पढ़ेंगे मेरा तारुफ। मेरा तारुफ में आपने क्या क्या लिखना है, आपने अपना नाम लिखना है। सबसे पहले कि मेरा नाम डैश है, आपने अपना नाम लिखना है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अव्वल क्लास में। आपके कितने बहन भाई हैं, आपने वो लिखना है। मैं पसरू शहर में रहती हूँ, मैं दायरकम स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे अबू डैश हैं, आपने बताना है कि अबू आपके क्या करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दुकानदार हैं, कुछ भी जो भी वो काम करते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एंड पे लिखना है मैं अपने वतन से मोहब्बत करती हूँ। आप अपने यहाँ पे अपना तारुफ करवाना है कि आप क्या क्या करते हो। आपने इस मज़मून को अच्छे से लिखना है और राइट कर लर्न करके राइट करना है। उसके बाद वर्कबुक सफ़ा नंबर है 45, जिसमें हमने ख़त्मा लगाना है। ये एक अलामत होती है जो हम जुमला मुकम्मल करने के बाद लगाते हैं। उसकी तारीफ क्या है, जो अलामत एक पूरे जुमले के खात्मे पर लगाई जाती है उसे ख़त्मा कहते हैं। जब हम एक जुमला ख़त्म करते हैं तो उसके एंड पे छोटी सी लाइन लगाई जाती है, उसे हम ख़त्मा कहते हैं। इस तरह उन्होंने कहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं, इसके एंड पे हम ख़त्मा लगाएंगे ये छोटी सी लाइन। कुरान सब इंसानों के लिए हदायत है, इसके आगे भी हम छोटा सा ख़त्मा लगाएंगे। मुसलमान एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, मैं लाहौर में रहती हूँ। यह आपने ख़त्मा लगाना है। किसी भी जुमले को जब हम कंप्लीट करते हैं तो एंड पे जो छोटी सी हम लाइन लगाते हैं उसे हम ख़त्मा करते हैं। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, मज़मून को भी और इसको ख़त्मे की डेफिनेशन को भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।